नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक सॉरी आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। लंबाई इसकी हमने 7 इंच ली है और इस तरह से 7 इंच पर सिंपल स्लीव कट करेंगे 3 इंच की गोलाई देते हुए। तो इस तरह से पहले कट कर लेना है, उसके बाद अब डिजाइंस के लिए कट करना है। यहाँ पर देखिए आधा इंच पर निशान किया, इस बिल्कुल सीधा इसको करना है। यहाँ से कट होगा, 2 पार्ट होंगे। अब कपड़े पर रख के इसको कट करेंगे और उसे सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। तो ये कपड़ा लेना है और सीधी वाली तरफ इसको रखना है, इस तरह से फैला कर रखेंगे और देखिए सिलाई इस पर इस तरह से डालनी है। तो ये हमने एक तरफ डाली, अब यहाँ से सिलाई को अलग करते हुए इस साइड डालना है और बीच में से जो हमने आधा इंच पर लाइनिंग की थी वहाँ से इसको कट करना है। तो ये देखिए यहाँ से ये कट होगा और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको पलटना है। तो इस तरह से पलट लेंगे, पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई इस पर लगाएंगे। तो ये सिलाई इस तरह लगा ली, अब साइड से लगा देंगे। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से लगा दी हमने। अब ये दूसरा पार्ट लेना है और इस पर भी सिलाई इस तरह लगा लेनी है। सिलाई लगाकर दोनों को तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो डिजाइन है इस पर उसे बनाना है। तो इस तरह में देखिए सिंपल तरीके से दोनों पार्ट तैयार कर लिया। तो ये तैयार करने के बाद अब इस पर डिजाइने हमें तैयार करनी है। तो देखिए डिजाइंस बनाने के लिए ये पट्टी ले लेंगे यहाँ पर, इसको बाद में ये लगेगी, पहले हम देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब इसको पलट लेना है, हमने देखिए सिलाई लगाई हुई इसको पलट लिया। तो ये पट्टी इस तरह से ले लेंगे, साइड में रख देंगे, इसका बाद में काम है। और देखिए अपनी चांस के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है, 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई रहेगी पलटने के बाद। अब ये सिलाई हमने लगा लिया, अब इसको पलट लेना है, 1.5 इंच चौड़ाई इसकी रहेगी। देखिए तैयार, इसे छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं, डिजाइन पर है। 1.5 इंच की रखेंगे सही रहेगा, 1.5 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह इसको हमने पलट लिया। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल देखिए थोड़ा सा बड़ा इससे फोल्ड करेंगे, जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा बड़ा रहेगा जितना सिलाई में जाएगा, और ये चारों तरफ से बराबर रहेगा। तो इस तरह हमें कट कर लेना है। तो हमने फोल्ड करके इसको नाप लिया, उसके बाद कट कर लिया। देखिए इस तरह से इस सिलाई वाली साइड बीच में हमने की और इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए थोड़ा ज़्यादा लिया है, नहीं तो जितनी चौड़ाई है 1.5 इंच और 1.5 इंच इसको मोड़ने के बाद जितना रहेगा उतने पर सिलाई हमें लगानी है। तो ये सिलाई लगाई, अब देखिए ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से आए, इस तरह ये डिजाइने अब बनेंगी। बिल्कुल इस तरह से इसको लगाना है, यहाँ पर ये ऐसे लगेगी। तो अब जो एक्स्ट्रा सिलाई के बाहर कपड़ा है उसे कट करेंगे, एक सिलाई और डाल देंगे, उसके बाद उसको कट करेंगे और फिर डिजाइने बनानी है। तो ये हमने दूसरी बार सिलाई डाल दी, एक बार पहले ही डाली थी। अब जो सिलाई के बाहर जितना कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा रहे, डबल सिलाई हमने डाल दी है। अभी इस तरह से देखिए इसको करना है और बीच में से एक सिलाई डालते हुए सभी डिजाइनों को यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। तो एक डिजाइन देखिए हमने इस तरह से करते हुए रखी, अब ये दूसरी लेना है, सिलाई वाली साइड बिल्कुल बीच में कर लेना है और इस तरह इसको करना है। अब थोड़ा सा इसमें टच करते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, तो ये एक दूसरे में इस तरह जुड़ती चली जाएगी। 4 डिजाइन इस पर लगेंगी, जितनी हमने इसकी लंबाई ली है 4 डिजाइन इस पर आएंगी। अगर लंबाई आप और बड़ी रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से डिजाइंस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 डिजाइनें लगेंगी अगर लंबाई और बढ़ाते हैं तो। नीचे इस पर डबल फ्रिल रखेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी 8.5 इंच तैयार, 8 या 9 इंच जितनी रखनी है, तो 9 इंच की लगभग ही तैयार आएगी। फ्रिल बाहर से लगेगी तो लंबाई इसकी आ जाएगी 9 इंच। देखिए अब इसको इस तरह से लगाना है, अब यहाँ पर हल्का सा पकड़ते हुए ऊपर से देखिए इसको रखा है हमने, ऊपर से रखना है और थोड़ा सा ही सिलाई इसमें टच हो कपड़ा सिलाई के लिए, बस जितना इसमें लगेगा उतना ही टच करना है
और इस तरह सिलाई लगा लेना है। अब इस साइड से भी इसको लगा लेंगे बराबर से मिलाते हुए। देखिए इस तरह सिलाई लगाना है, देखिए इस तरह इसको लगाना है। तो ये डिजाइन हमने इस तरह से लगा ली है। उसके बाद अब हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। ये फ्रिल हमारी 2 इंच की तैयार रहेगी नीचे वाली। इसके ऊपर जो डबल फ्रिल लगाएंगे तो इसके ऊपर जो लगाएंगे वो 1.5 इंच की रहेगी। तो नीचे वाली 2, ऊपर वाली 1.5 इंच। अब इस तरह बाहरी फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। एक ही लेयर में देखे लिया है, एक तरफ से मुड़ती हुई इस पर सिलाई भी हमने लगा रखी है। अब ये दूसरी फ्रिल, ये थोड़ी छोटी लेनी है। आप देखिए इसको अगर ऊपर से लगाते तो पट्टी इस पर लगती, इसको हम अंदर से ही लगाएंगे। जो हमने पट्टी तैयार की थी शुरू में वो इसी पर लगाने के लिए थी, लेकिन अब इस पर हम ये चौड़ी पट्टी ले लेंगे। चौड़ी पट्टी पर लगाएंगे इसको, देखिए इस तरह लगाना है। बड़ी वाली लगा दी, फिर इसके ऊपर से इसी पट्टी पर लगाकर तब इस पर लगाएंगे। अब पतली वाली पट्टी की जरूरत नहीं है, देखिए हमने बना रखी थी, अगर ऊपर से लगाते तो वो लगती। अब ये दूसरी फ्रिल लगा देंगे। ये देखिए पट्टी वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से इसको लगाएंगे नीचे से रखते हुए। अगर ये दूसरी जो हमारी छोटी वाली फ्रिल है इसको ऊपर से रखते तो वो वाली पट्टी लगती, नीचे से रखेंगे तो ये डिजाइंस भी हमारी पूरी आ जाएगी जो ये ऊपर है, तो इसलिए हमने नीचे से लगाई। तो इस तरह दोनों फ्रिल लगा दिया। अब दोनों फ्रिल लगाने के बाद यहाँ से जो ये कपड़ा है कट कर देंगे ताकि इससे दिखे ना। तो ये देखिए अब इन डिजाइनों पर हमें फ्रिल हमने कंप्लीट कर ली। अब इन डिजाइनों पर यहाँ से जहाँ से ये जुड़ी हैं आपस में, ये लास्ट से यहाँ पर मोती लगाना है। चाहे तो एक एक बटन लगा सकते हैं, या मोती से ही बटन जैसा बना लेंगे, या तो एक गोल्डन बटन लगा सकते हैं, या कपड़े की अगर मैचिंग का कलर है, 2 कलर की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कपड़े की भी लगा सकते हैं बनाकर। अब इस पर देखिए हम गोल्डन लगाएंगे, गोल्डन एक मोती डाली, अब इसके चारों तरफ से मोतियाँ डाल देंगे। तो इस तरह बटन जैसा मोती से ही बना सकते हैं, या तो बटन लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पर लगाएंगे, देखिए 2-3 और लगेगी। जहाँ जहाँ से ये जॉइंट हुई हैं वहीं वहीं पर ये इस तरह इसको लगाना है। तो इस तरह से इसको लगाएंगे और चारों तरफ से अच्छे से सिलाई इस पर पकड़ाते हुए डाल देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक लगा लिया। अब ये यहाँ से देखिए इस तरह लगेगी, पूरे पर एक तरफ से लगा देंगे और नीचे तक फ्रिल तक ले जाना है। तो इसमें 2-3 मोतियाँ डाल डाल के बीच में पकड़ाते हुए पूरे पर लगा देना है। अब ये लाइन हमें इसी तरह से पूरी कर लेनी है। देखिए इस तरह इसको लगाना है, यहाँ से नीचे तक और यहाँ से नीचे तक। तो ये देखिए इस तरह हमने ये मोती लगा दी है। तो ये डिजाइन हमारा बनके इस तरह से तैयार हुआ। अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।